वेलकम जनाब, जागो लाहौर में बैक तो नहीं करने वाली थी मैंने, कहा जागो लाहौर में आएंगे और हम जनाब रोज आते 9 से 11 बजे तक आपका हमारे साथ होता है, क्योंकि आज सुबह सुबह जब मैं आई तो मेरे साथ एक मिस है पुआ और मैं यहाँ पर अपने सारे जो कैमरामैन हैं इनसे टीम से डिस्कस कर रही थी कि आज ना मैं जब शो के लिए तैयार हो रही थी तो कुछ हादसा मेरे साथ पेश आया और उसके चक्कर में मैं कुछ बातें जो है वो इधर उधर कर रही हूँ। अच्छा ना, हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्ती बात, और थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि हम हमेशा से लड़कियों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब स्पेशली लड़कियों की बात आती है तो हम कहते हैं जी हु रूल्स द वर्ल्ड, गर्ल्स। तो ये वाला जो एक बात है इसके हवाले से आपको आज बताएंगे कि आज लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इसके हवाले से हम आलमी दिन मनाने को तो हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हमने अवेयरनेस भी देनी होती है लोगों को, और अवेयरनेस इस तरह से देनी है कि हम सिर्फ बातों की हद तक कभी कभी महदूद रह जाते हैं। बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें ख्वातीन एक्सेल कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पीछे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन अभी भी हमारा जो एक साइकी कह लें, एक हमारा जो सोचने का अंदाज है उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीली और एक कह लें ना रेवोल्यूशनरी तब्दीली की ज़रूरत है। आप अभी भी बात की जाए तो हर 5 से 19 साल की लड़की जो होती है, 15 से 19 साल की लड़की की बात की जाए तो हर 4 में से 1 लड़की वायलेंस यानी कि जिस्मानी तशद्दुद, फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ता है उसको। और इसकी एक बड़ी वजह, आज के दिन के बनाने की बड़ी वजह ये है कि ख्वातीन को, लड़कियों को इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए, उन्हें इतना मजबूत किया जाए और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी इस हवाले से आगाह किया जाए कि जनाब लड़कियों को इज्जत एहतराम, उनका राइट देना, बल्कि उनका राइट उनको बिल्कुल एक खुले दिल के साथ देना ये आपकी जिम्मेदारी है। इस दिन की थीम जो बेसिकली होती है कि आप बाख्तियार करें, अपनी बच्चों को एम्पावर करें, उन्हें एजुकेशन दिलाएं, उन्हें बेसिक नेसेसिटीज दें। एजुकेशन वो एक एलिमेंट है जिसको हम बहुत सारे जो कह लें सबर्ब्स एरिया है या बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हम इसको इग्नोर कर देते हैं, और हमने देखा है कि हमारी बच्चियाँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती जो हम दूसरे जगहों की बात करें जो थोड़े बैकवर्ड इलाके जिन्हें हम कहते हैं। अब शहरों में तर्ज ज़िंदगी बदल गया है, लोगों की सोच भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, लेकिन अभी भी हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी खातून को, बच्ची को एम्पावर करने की बात आती है तो बहुत सारे टैबूज़ हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसलिए तो आज लड़कियों का आलमी दिन है, हम शोर शराबत बात करते हैं जी हम ख्वातीन को एम्पावर करें, ये करें वो करें, लेकिन अभी भी जैसे मैंने आपके साथ स्टैटिस्टिक शेयर किए कि हर 4 में से 1 लड़की जो कि 15 से 19 साल के दरमियान है वो जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनती है, और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इवन ये सिर्फ बैकवर्ड एरियाज की बात नहीं करें, हम शहरों की बात करें, पढ़े लिखे तबके की बात करें जो सारे इसका शिकार होते हैं। लिहाजा आज का दिन जो बच्चियों का हम आलमी दिन कहते हैं, लड़कियों का आलमी दिन कहते हैं, इसका थीम यही होता है कि हमेशा से लड़कियों को जो है उन्हें पॉजिटिविटी माशरे में लाई जाए उनके ज़रिए, और एक कंस्ट्रक्टिव रोल वो अपना माशरे में प्ले कर सकें, उसके साथ साथ उनको इतना बाख्तियार किया जाए कि वो हर फील्ड में एक्सेल कर सके, ना कि उन्हें किसी भी शोबे को चुनने के लिए पहले ये सुनना पड़े कि लड़की ये काम नहीं कर सकती। लेकिन अब तो आपके फ्लाइंग आपके जेट्स उड़ाती हैं लड़कियां, बहुत सारा ऐसा काम करती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे कभी कि हाँ खातून इतनी एम्पावर या लड़की इतनी एम्पावर हो सकती है। तो लिहाजा आज का दिन कि ख्वातीन को जनाब आपने एम्पावर करना है, और हर आदमी ने, हर जो एक फैमिली मेम्बर है, हर सोसाइटी के मेम्बर ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है। जब तक सब लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम अपनी बच्चियों को एम्पावर नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एम्पावर्ड वुमेन की जो आपके सामने हैं, मैं बहुत सारे नाम आप लोगों को बता सकती हूँ जो कहीं ना कहीं बहुत ही एक बैकवर्ड घराने से या जो कह लें एक सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वो एक्सेल किया, उन्होंने एक बड़ा अच्छा नाम बनाया। तो जनाब ये हमने आज के दिन हम आपको बता रहे हैं कि हु रूल्स द वर्ल्ड, गर्ल्स। तो जनाब ये आपके साथ रिसर्च हमने शेयर की पहली कि आज लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दूसरी रिसर्च कुछ इंटरेस्टिंग सी है जनाब, विलाज आपने देखे होते हैं, बहुत सारे लोग वेकेशन पे जाते हैं, कोई विला बुक कराते हैं, वहाँ पे रहते हैं, आसपास ग्रीनरी होती है, पहाड़ होते हैं, लेकिन एक ऐसे विलाज भी हैं जनाब मालदीव्स में जहाँ पर जो है जेरे आब विलाज बनाए गए हैं, जहाँ पर एक ऐसा आपको मंजर देखने को मिलता है कि विला जो है ये इसके अंदर प्रॉपर एयर कंडीशन है, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, जो मर्ज़ी आपको बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी है ये आपको मिल रही है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लेकिन ये सब पानी के नीचे है जनाब। और इस होटल में एक रात का जो आपने स्टे है उसको आपको तकरीबन $50,000 पे करना पड़ेगा तभी आप एक रात वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। डेफिनेटली इतना अच्छा व्यू है, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको एक अच्छा मछलियाँ आपके इर्द गिर्द हैं, मतलब एक अजीब सा
अजीब सा तो नहीं, बड़ा अच्छा सा एहसास होता है हो रहा है देख कर के जो लोग यहाँ पे रहने जाते होंगे उनको कितना अच्छा लगता होगा। इवन हम ग्रीनरी देख कर इतने इम्प्रेस हो जाते हैं लेकिन खौफ भी आता होगा कि अच्छा ये जेरे जो आब है इस तरह के विलास बनाए गए जनाब मालदीव्स में है और आप इधर से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टीवी भी है, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले, अपनी फैमिली वेकेशन आप यहाँ पर जाकर गुजार सकते हैं। तो ये हमने कुछ सोचा और हमने इंटरनेट पे देखा तो सोचा आपके साथ शेयर की जाए। सेहत, आपकी स्किन, आपके उसके हवाले से बात करें, नींद ना पूरी हो, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जब आपको कोई टेंशन हो, कोई डिप्रेशन हो, बहुत सारी वजूहत होती हैं और बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी आप डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए, नींद ना पूरी हो या एक दिन आप ज़्यादा जागे हो तो आपको फ़ौरन से कोई आपको क्लीग या फ्रेंड पॉइंट आउट कर दे तुम्हारे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत सारी वजूहत होती हैं। ये तो मैंने आपको ऐसी वजह बताई है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं। आज हमारे पास जनाब इतने ज़बरदस्त से डॉक्टर हैं जो आपको हर बार आते हैं स्किन की अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, डॉक्टर अली काजमी ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर अली, डार्क सर्कल्स बहुत सारी रीजंस होंगी, बेसिकली होते क्या हैं और क्या वजूहत हैं इनकी? ऐसे कि स्किन में ना जिल्द की कुछ डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ होती हैं। एक होता है कि जिसकी आपको रूट कॉज पता है, जड़ पता है, आप उसको ठीक कर लेते हैं, वो ठीक हो जाती है। एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें रूट कॉज नहीं पता होता इंसान को, फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून डिजीज़ है, बॉडी के अंदर से डेवलप होती है, आप उसको ठीक कर लेते हैं, बाल झड़ है जिस तरह, या विटलाइगो फुलबेरी होती है उसको ठीक कर लेते हैं, रूट कॉज नहीं पता होता, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, आप उसको भी ठीक कर लेते हैं मगर लौट के आ जाती है। और तीसरी जो बीमारियाँ स्किन की होती हैं वो होती हैं जिल्द की बीमारियाँ जिसमें आप मौरूसी होती हैं, जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस में, आपके वहाँ से आया जेनेटिकली इनहेरिटेंस में, डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, आपके पेरेंट्स से आती हैं आपके अंदर और आगे फर्दर आपकी औलाद में भी जा सकती हैं। अच्छा। ये कुछ ऐसी मौरूसी होती हैं। तो सबसे पहले तो वो बीमारियाँ जो मौरूसी हैं, जो जिससे पता चलता है, हमें पता है क्योंकि हमने इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स पढ़ी होती हैं। तो सबसे पहला कोई मरीज़ जब हमारे पास आता है, कोई अपनी जिल्द की बीमारी की बात करता है, तो हमें सबसे पहले उसमें से निकालना है कि ये फॉल कहाँ करती है, क्या इसका रूट कॉज पता है, नहीं पता, इंटरनल है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है या मौरूसी है। तो जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं इसको हम कहते हैं, जो आपने कहा हल्के आँखों के अराउंड, अपनी जबान में हम कहते हैं पेरी ऑकुलर मेलानोसिस, ताकि लोगों को पता चले हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एक डिजीज़, ये एक डिजीज़ नहीं होती, हम इसको कहते हैं कि ये इनहेरिटेंस के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है ना। अब ये वो चीज़ होती है कि पहला क्वेश्चन हम मरीज से पूछते हैं, मरीज आके बैठेगा, कहेगा डॉक्टर साहब मेरी दोनों आँखों के गिरदी हल्के पड़े हैं, डार्क हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है कि बेटा आपके वालिद या वालदा दोनों में से किसी एक को हल्के हैं आँखों के अराउंड, या आपके चचा ताया में या खाला में, फुफ्फो में, किसी में हूँ? तो 90% मोर देन 90% दे से कि यस हमारे पेरेंट्स में हैं, वालदा को हैं या वालिद को हैं या इस तरह करके। तो पहली चीज़ तो आप यहाँ से सबसे पहले पूछते हैं, 10% वो फॉल करते हैं वहाँ पर, जो वो कहेंगे कि नहीं जी ये हमारे पेरेंट्स में नहीं है या किसी को नहीं है, ख़ानदान में भी शायद नहीं किसी को। तो अपने ओन पे भी एक चीज़ आ सकती है इंसान को। तो सबसे पहली बात आई कि ये एक मौरूसी चीज़ है जिसके बारे में हम सबसे पहले तशखीस करते हैं। अब बात आई कि अब जो हल्के आ गए इनका किया क्या जा सकता है। मैं हमेशा इसके बारे में कहता हूँ, इसके बहुत ट्रीटमेंट्स निकली हुई हैं मार्केट के अंदर। पहली बात याद रखें कि अब वहाँ शुरू ही यहीं से करूँगा कि ड्रामेबाजी, फ्रॉड बहुत इसके अंदर है। आप कहेंगे आए आपका सबसे पहला आजकल तो मुसीबत में लेजर करेंगे तो बड़े आसान काम है, क्योंकि पैसा ही वहां से बनना है, आपको पता है। हम हमेशा लेजर्स के अगेंस्ट आके बात करते हैं, वो बात करते हैं अगेंस्ट नहीं, मतलब है कि जो रिक्वायर्ड है जहाँ पर लेजर का काम है हम कहते हैं बिल्कुल करते हैं, और उसका बताएं कितना इफेक्टिविटी है क्या। बहरहाल इनकी इस केस के अंदर जिस आंखों के अराउंड हल्कों में लेजर का कोई रोल नहीं है। आजकल एक नई कार्बोक्सी थेरेपी आई है, ये वो चीज़ें हैं समझें कि जिसका वक्ती तौर पे हल्का सा एक इफेक्ट आएगा, मगर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। कोई आपको दुनिया में ये नहीं कह सकता कि जी मैं हल्के आपके ठीक कर दूंगा, ख़त्म हो जाएंगे आपके हल्के, क्योंकि जिस हमने स्टार्ट में लिया कि तो जेनेटिकली आपके डीएनए के अंदर एक चीज़ आई है कि जो आपने इनहेरिटेंस के अंदर ली है। अब आप, मैं हमेशा बताता हूँ हल्कों के लिए सबसे पहले है आप अपने खुद एक डॉक्टर हैं उसके लिए, कैसे आप अपनी सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट। हम मरीज़ को कहते हैं कि जी बाकी तो हम बाद में आपको कुछ दवाई देंगे जो भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इसके लिए की जाती हैं हल्कों के लिए, हम कहते हैं अपना हैबिट्स को ठीक करें। अब हैबिट्स में क्या चीज़ें आती हैं,
अब शायद आपकी भी वो हैबिट्स वो वाली अप डाउन हो या सबकी वो होती हैं, सबसे पहले आपकी स्लीप, ठीक है ना, जिसने आपने भी स्टार्ट में कहा कि सोना जागना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी शॉर्ट स्लीप्स होती हैं और उनको इनहेरिटेंस में ये चीज़ें मिली हैं तो उनके डार्क हो जाएंगे। लेट नाइट तक जागना, बारीक काम करना, धीमी रोशनी के अंदर काम करना, आपको अपनी नींद पूरी ना करना। अच्छा, तो फिर हम देखते हैं थोड़ी पिगमेंटेशन भी हो जाती है डार्क सर्कल्स के साथ, उसकी वजह ये भी एक वही डार्क सर्कल्स की फॉर्म है या डिफरेंट? नहीं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट है। हमने एक दफा इस चैप्टर को अलग भी लिया था और ये बिल्कुल अलग। जो पिगमेंटेशन चेहरे पे आती है, याद रखें ये जेनेटिक्स नहीं होती हैं, ये तो पिगमेंटेशन रीजंस इसके होते हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं कि जिनको डार्क सर्कल है उसके पिगमेंटेशन आती है, मगर नहीं, कई लोग होते हैं बिल्कुल उनके चेहरे पे और कुछ नहीं होता, सिर्फ डार्क सर्कल। तो जो वैसे बताते हैं जो पिगमेंटेशन आती है इसके दो तीन रीजंस होते हैं। एक तो होता है जो लोग धूप में बहुत काम करते हैं उनके अंदर पिगमेंटेशन आती है, और जिनका बहुत फेयर कम्प्लेक्शन होता है, गोरी रंगत होती है, उसके अंदर ये पिगमेंटेशन आती है जी, उसमें बहुत जल्दी आती है। फिर जो औरतों में आयरन की कमी होती है, ये याद रखें, सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन हम औरतों में देखते हैं, मर्दों में कम आती है, औरतों में ज़्यादा आती है, जिसमें आयरन की कमी और आयरन की कमी कब होती है? प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज, उसके बाद, क्योंकि औरतें खाना सही तरीके से उस वक्त नहीं खाती, आयरन की सप्लीमेंट्स नहीं लेते ये लोग, तो उस वक्त माँ से बच्चा जो है वो सब आपका सब कुछ ले लेता है, तो वो कमी जो होती है वो पूरी नहीं होती है। तो उस आयरन की कमी से बहुत बड़ा एक रीज़न है ये उसके अंदर, कि जिसकी वजह से वो पिगमेंट काले निशान या फ्रैकल्स पड़ते हैं, छोटी छोटी तिली सी आ जाती है चेहरे पे, या राउंड की शेप में दो काले निशान आ जाते हैं, या पूरे चेहरे को यहाँ चीक बोन के पास ज्यादा प्रॉब्लम। हमारे जो मेलानोसाइट्स जहाँ से ये पिगमेंट बनता है वो सबसे ज्यादा इस एरिया में होते हैं, तभी यहाँ पर आप देखें सबसे ज्यादा जो, जैसे आप पिगमेंटेशन, हम इसको कहते हैं बटरफ्लाई एरिया, इस एरिया को बटरफ्लाई की तरह का होता है, तो इस एरिया में सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन आती है, क्योंकि सन को एक्सपोज भी सबसे ज्यादा होता है। आप देख लें क्रिकेटर्स, जब आपने देखा होगा तो यहीं पे पूरा सारा उनका ये भरा होता है, उन्होंने ये बटरफ्लाई एरिया अपना भरा होता है, बाकी लगाएं ना लगाएं इस एरिया पे, क्योंकि पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स मेलानोसाइट सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठे होते हैं, और जो ही धूप पड़ती है तो वहां पर से वो नीचे से पिगमेंट स्टार्ट होता है और वो पूरे चेहरे को कवर कर जाता है। इसलिए इसमें सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके ये जो हम दूसरे पिगमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं हमेशा बताता हूँ सनब्लॉक किसी के पिगमेंट नहीं भी है, कोई निशान काले दाग धब्बे नहीं भी हैं, सनब्लॉक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दो तीन चीज़ों से रोकेगा। एक तो ये आपके निशान काले दाग धब्बों से, फिर एजिंग से रोकता है सनब्लॉक। आके आगे जो एज आती है इंसान में, झुरियाँ पड़ती हैं, सनब्लॉक उससे रोकता है, क्योंकि हमारी जो रेज आती हैं ए और बी रेज धूप की, तो उसमें जो ए रेज होती हैं वो एजिंग कॉज कर रही होती हैं, तो उससे रोकता है। बी रेज बर्न करती हैं स्किन को, पिगमेंटेशन देती हैं, तो इसलिए सनब्लॉक दोनों तरीके से। और आगे ये भी बताना चाहूँगा, लोग समझते हैं सर्दियाँ आ रही हैं तो सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, जो मौसम ठंडा हो गया। नो, धूप में शुआएं तो वही हैं, आप देखें जो सन में से रेज निकलनी है वो तो आपका एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, मगर जो रेज आ रही हैं वो तो वही आ रही हैं। इसलिए सर्दी में मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि प्लीज़ जब आपने धूप लेनी है तो सन सामने ना हो फेस पे, आप बैक पे करके धूप लें, क्योंकि वो तो डैमेज करता रहेगा सन आपको। नॉर्मली लोगों को आदत होती है तीन तीन चार चार घंटे धूप में बैठे रहते हैं मगर आपने फेस नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना। अगर कमर करनी है, अगर आप चाहते हैं कोई विटामिन डी का कोई सिलसिला करना चाहते हैं, तो आपको शर्ट हटा के बाजुओं पे डायरेक्ट सनलाइट ऑन टू योर स्किन पड़े, तो उसके साथ आपका वो प्रोसेस बनता है एंटीबॉडी में, कपड़ों के साथ नहीं बनता। तो यू हैव टू उसको, आपको डायरेक्ट अपने जिस्म पे फॉल करनी है सनलाइट। तो इसलिए ये कुछ फायदे भी हैं सन के नेचुरली और नुकसान भी हैं। अच्छा, हम डार्क सर्कल्स की बात कर रहे थे, नॉर्मली लोगों को कुछ और तरह की बीमारियां भी होती हैं और डार्क सर्कल्स उस वजह से भी होते हैं, खुदा ना खास्ता की बीमारी है, तो उस अलामत में क्या? हाँ जी, दिस टाइम बहुत अच्छा ये इसलिए क्वेश्चन है, जो क्रॉनिक इलनेसेस हम कहते हैं उसके अंदर खुदा ना खास्ता, जिस तरह देखें अगर किसी को टाइफाइड हो गया है, लंबी बीमारी हो गई है, या खुदा ना खास्ता कैंसर किसी को हो गया है, तो उसके अंदर डार्क सर्कल डेवलप हो जाते हैं, याद रखें। क्योंकि अब क्या होता है बॉडी के अंदर, वो जो भी क्रॉनिक इलनेस है आपकी बॉडी को अंदर से खा रही है, ख़राब कर रही है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को कम कर रही है, आपकी हर चीज़ अंदर से ख़राब कर रही है। तो पॉइंट यह आता है कि जब वो बीमारी, जब तक वो रहेगी, आपके डार्क सर्कल्स रहेंगे, क्योंकि आपका खाने पीना कम हो गया, आपके इनटेक ऑफ द फूड एंड ऑल, आपका मिल्क वगैरह जो भी है चीज़ें कम हो गई। मगर याद रखें, ऐसे पेशेंट्स में हम रेस्ट
इंश्योर करते हैं कि जब आपकी इंशाल्लाह बीमारी ख़त्म हो जाएगी, इंटरनल जो भी आपकी चल रही है, तो ये सब कुछ रिवर्ट बैक हो जाता है। वो वाले डार्क सर्कल जो बीमारी के साथ आते हैं, दे ऑल रिवर्ट बैक, उसके अंदर वापस हो जाते हैं। और प्लस उसमें हम कुछ दवाइयाँ भी ऐसी देते हैं लगाने के लिए भी, प्लस कुछ मल्टीविटामिन ऐसे केसेस में देते हैं कि जिनके अंदर खाने पीने के बेचारों के साथ नहीं कर सकते, ओल्ड एज है, तो उसके अंदर फिर हम देते हैं और उससे वो ठीक हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली, बहुत शुक्रिया कि आपने डार्क सर्कल्स के हवाले से हमारे देखने वालों को जनाब आपको पता लग गया होगा कि डार्क सर्कल की सिर्फ एक रीज़न ही, बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसका इलाज या इसको बेहतर आपने कैसे करना है ये डॉक्टर अली ने आपको बता दिया। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।